एरे के बाद अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज स्ट्रिंग्स। अब अभी तक हम लोगों ने स्ट्रिंग के कुछ ही एग्जाम्पल्स जो है वो करे हैं। सीक्वेंस डेटा टाइप के अंदर सबसे पहला टाइप जो हमने पढ़ा था वो एसटीआर ही था, जहाँ पे कैसे स्ट्रिंग वेरिएबल को क्रिएट कर सकते हैं हमने उसके तरीके देखे थे। तो यहाँ पे कुछ और तरीके भी हैं, हम वो भी कवर कर रहे हैं। और स्टार्ट से मैं एक बार स्ट्रिंग का बेसिक डिस्क्रिप्शन भी आपको रिवाइज करवा रही हूँ। देखिए, स्ट्रिंग हमारे पास में एक कलेक्शन है कैरेक्टर्स का। अब यहाँ पे कैरेक्टर अलग कुछ डेटा टाइप नहीं है, तो अगर आप उसे सिंगल कैरेक्टर असाइन करवाओ या पूरा ग्रुप असाइन करवाओ, पाइथन दोनों को स्ट्रिंग टाइप का ही ट्रीट करता है, पहली चीज। अब यहाँ पर जब भी हमें स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल क्रिएट करना होता है तो हम कोट्स को काम में लेते हैं। तो अगर आप चाहो तो स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए सिंगल कोट भी काम में ले सकते हो और डबल कोट भी काम में ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने S1 एक वेरिएबल क्रिएट किया है जिसमें मैंने स्ट्रिंग असाइन करवाई है वेलकम टू पाइथन, जो कि सिंगल कोट्स के अंदर है। सिमिलरली मैंने S2 एक वेरिएबल क्रिएट किया है जिसके अंदर मैंने सेम स्ट्रिंग असाइन करवाई है वेलकम टू पाइथन, लेकिन अब ये स्ट्रिंग मैंने डबल कोट्स के अंदर असाइन करवाई। तो यहाँ पे कोट्स के बेसिस पे जजमेंट नहीं होता है, आप सिंगल कोट्स डबल कोट्स दोनों में से कुछ भी काम में ले सकते हो, दोनों को सेम तरीके से ये जज करता है। अब यहाँ पे एक नई चीज है हमारे पास में जो कि है ये S3 वेरिएबल। अब सपोजिटली मैं जो स्ट्रिंग क्रिएट कर रही हूँ वो बहुत बड़ी स्ट्रिंग है, राइट? हमने पहले जो स्ट्रिंग क्रिएट करी है वो तो सिर्फ 3 वर्ड्स की ही है। अगर मुझे कभी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि मुझे पूरा पैराग्राफ किसी वेरिएबल के अंदर असाइन करवाना, अब पैराग्राफ के अंदर क्या होता है, हमारे पास में बहुत सारी लाइंस होती है, ठीक है? सपोज मैंने जो पैराग्राफ लिया है उसमें 10 लाइंस प्रेजेंट है मेरे पास में, तो मुझे 10 लाइंस इस वेरिएबल के अंदर असाइन करवानी है। तो कभी भी हमें कोई ऐसा डेटा असाइन करवाना है जो मल्टीपल लाइंस के अंदर एग्जिस्ट करता है, तो उस मल्टीपल लाइन टाइप्स के डेटा के लिए हम यहाँ पे काम में लेते हैं ट्रिपल कोट्स। ट्रिपल कोट्स मतलब 3 बार सिंगल कोट को ओपन करना और 3 बार सिंगल कोट को क्लोज करना, या फिर 3 बार डबल कोट को ओपन करना और 3 बार डबल कोट को क्लोज करना। तो ये पार जो हमारा फीचर है ये सिर्फ मल्टीपल लाइंस के केस में ही काम करेगा, ठीक है? ऐसा नहीं है कि अगर आप यहाँ पे इसके केस में भी ट्रिपल कोट काम में ले लोगे तो ये एरर देगा आपको, ऐसा होता नहीं है। ये काम करेगा उस केस में भी, लेकिन यूजुअली हम ट्रिपल कोट को तभी काम में लेते हैं जब हमारे पास में बहुत सारा डेटा हो और वो मल्टीपल लाइंस के अंदर आ जाए। अब मेरे पास में एज सच कोई बहुत बड़ा डेटा नहीं है, लेकिन मैंने मेरी स्ट्रिंग को मल्टीपल लाइंस के अंदर लिख दिया। मैंने सेम स्ट्रिंग ली है वेलकम टू पाइथन। अब यहाँ पे मैंने किसी भी तरीके का स्लैश एंड काम में नहीं लिया है। पहली लाइन में पहला वर्ड है, दूसरी लाइन में भी एक ही वर्ड है, बस मैंने यहाँ पे वर्ड को लिखने के बाद एंटर प्रेस किया हुआ है। तो जिस फॉर्मेट के अंदर आप डेटा को असाइन करवाओगे, जब आप उस वेरिएबल की प्रिंटिंग करवाओगे तो आपको उसी फॉर्मेट के अंदर ही वो डेटा वाले फीचर को हम मल्टीपल लाइंस के केस में काम में ले सकते हैं। इस स्टार्टिंग पार्ट के अंदर किसी को कंफ्यूजन? मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट जो कि है हमारे पास में रॉ स्ट्रिंग। अब रॉ स्ट्रिंग एक्चुअली में होती क्या है, उससे पहले हम एक बेसिक एग्जांपल कवर करते हैं। मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल बनाया है S4 नाम का, जिसके अंदर मैंने वेलकम टू पाइथन स्ट्रिंग स्टोर करवाई। लेकिन यहाँ पे जो 2 है मैं क्या चाहती हूँ वो स्लैश के अंदर डिस्प्ले हो जाए, ठीक है? यानी कि स्लैश हो, वेलकम डिस्प्ले हो, फिर स्लैश आए, फिर 2 डिस्प्ले हो, फिर स्लैश आए और फिर पाइथन आए। तो मैंने बिल्कुल यही चीज वेरिएबल के अंदर असाइन करवाई। लेकिन अगर हम इस स्लैश टी की बात करते हैं तो स्लैश टी क्या है, एक तरीके का एस्केप सीक्वेंस है, जिसका मतलब ये होता है कि एक टैब स्पेस को प्रिंट करना। तो अगर मैं इस S4 की प्रिंटिंग करवाऊंगी तो यहाँ पे क्या होगा, वेलकम के बाद एक टैब आ जाएगी, फिर ओ आएगा, फिर स्लैश आएगा और फिर पाइथन आएगा।
तो यहाँ पे जो मैं प्रिंट करवाना चाहती थी वो तो हुआ नहीं, बल्कि कुछ और ही आउटपुट आ गया। सिमिलरली यहाँ पे हुआ क्या, मैंने एक और स्ट्रिंग को यूज किया, पहले वाला आउटपुट गलत आ रहा था तो मैंने एक और स्ट्रिंग को यूज करके ट्राई किया कि हो सकता है शायद इस बार मेरा आउटपुट सही आ जाए। सेम एस फोर वेरिएबल है। अब यहाँ पे मुझे प्रिंटिंग क्या करवानी है, वेलकम टू, फिर एक स्लैश आ जाए और फिर न्यू लाइन मैसेज मुझे प्रिंट करवाना है, तो कंटिन्यूस ये मैसेज मेरा आना चाहिए। तो जब मैंने इस एस फोर को प्रिंट करवाया तो वेलकम टू प्रिंट हुआ, फिर हम नेक्स्ट लाइन पे आ गए और ई डब्ल्यू और लाइन प्रिंट हो गया। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे स्लैश एन आ रहा है और स्लैश एन का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन पे आ जाना। तो यहाँ पे अगर कोई ऐसा कैरेक्टर है जो एस्केप सीक्वेंस की तरह काम करता है तो ये तो मेरे आउटपुट को गड़बड़ कर रहा है, सही तरीके से हमारा आउटपुट प्रिंट नहीं हो रहा है। तो कभी भी हम किसी स्ट्रिंग को प्रिंट करवा रहे हैं और उसके अंदर बैक स्लैश एज अ कैरेक्टर प्रेजेंट है तो वहां पे कभी कभी आपका आउटपुट जो है वो गड़बड़ आ सकता है। तो हम क्या करते हैं, उस केस में नॉर्मल स्ट्रिंग क्रिएट करने के बजाय हम उसे रॉ स्ट्रिंग के तरह क्रिएट करते हैं। रॉ स्ट्रिंग को क्रिएट करने का तरीका क्या है, हम जो स्ट्रिंग लिखना चाहते हैं जिस फॉर्मेट में हमें वही लिखनी है, तो मैंने वही लिखा है। सबसे पहला वाला जो मेरा एग्जाम्पल था वेलकम टू पाइथन, अब यहाँ पे ओरिजिनल केस में तो ये स्लैश टी की फंक्शनलिटी एग्जीक्यूट कर रहा था। अब हमें इस स्लैश टी की फंक्शनलिटी को एग्जीक्यूट नहीं करवाना, एस्केप सीक्वेंस का जो फंक्शन होता है उसको नलिफाई करवाना है। नलिफाई करने का मतलब मैंने जिस तरीके से कैरेक्टर्स लिखे हैं उसी तरीके से कैरेक्टर प्रेजेंट हो, एस्केप सीक्वेंस का काम नहीं करना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस स्ट्रिंग को स्टार्ट करने से पहले आर एज अ कैरेक्टर प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे ये आर बताता है कि जो आपने स्ट्रिंग बनाई है वो एक रॉ स्ट्रिंग है, बेसिक स्ट्रिंग है, जैसी प्रोवाइड की गई है वैसी की वैसी काम में ली जाएगी। अब यहाँ पे रॉ स्ट्रिंग के लिए आप स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों काम में ले सकते हो। तो अब जब मैं इस एस फोर के प्रिंटिंग करवाऊंगी तो यहाँ पे स्लैश टी टैब को प्रिंट नहीं करेगा, बल्कि एज इट इज मेरे बैक स्लैश कैरेक्टर जो है वो प्रिंट हो जाएंगे। तो कभी भी अगर बैक स्लैश रिलेटेड आपको कुछ वर्किंग करवानी है, सपोज हम कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी अलाउ कर रहे हैं स्ट्रिंग के अंदर और वहां पे बैक स्लैश भी आ सकता है, तो आप वहां पे रॉ स्ट्रिंग डिक्लेयर कर लेना उसको, उसको इस तरीके से क्रिएट करोगे तो फिर वो एस्केप सीक्वेंस को प्रिंट नहीं करेगा, नॉर्मल स्ट्रिंग की तरह काम करेगा। सबको क्लियर है ये रॉ स्ट्रिंग का कंसेप्ट, हमने क्यों इसे काम में लिया है? मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल जो कि है हमारे पास में लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अब यहाँ पे आप सब लोगों ने सी के अंदर str len नाम का फंक्शन पढ़ा हुआ है, तो उसी तरीके से मिलता जुलता यहाँ पे हमारे पास में len नाम का एक फंक्शन अवेलेबल है जिसको हम या तो स्ट्रिंग पास करते हैं या फिर स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल पास करते हैं, तो ऑन टोटल ये सारे कैरेक्टर्स का काउंट हमें रिटर्न करके दे देता है। अब यहाँ पे सी के अंदर आपने लास्ट में नल कैरेक्टर पढ़ा था, यहाँ पे नल कैरेक्टर जैसा कोई कंसेप्ट नहीं होता है, सिंपल जो हमने यहाँ पे स्ट्रिंग मेंशन करी है उतने कैरेक्टर्स का काउंट यहाँ पे आएगा, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया है जिसके अंदर मैंने कोर पाइथन स्टोर करवाया है एज अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। अब सिंपली अगर मुझे इसकी लेंथ को पता लगाना है तो या तो आप किसी वेरिएबल के अंदर असाइन करवा लो या फिर डायरेक्टली प्रिंट स्टेटमेंट में भी आप मेंशन कर सकते हो। तो प्रिंट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तो यहाँ पे ऑन टोटल इस स्ट्रिंग में 11 कैरेक्टर्स प्रेजेंट है, तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे लेंथ स्ट्रिंग की कैलकुलेट कर सकते हो। मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल दैट इज रिपीटिंग द स्ट्रिंग। यूजुअली कुछ लैंग्वेजेस के अंदर अगर हमें एक स्ट्रिंग को मल्टीपल टाइम्स रिपीट करवाना होता है तो हमारे पास में रिपीट नाम का फंक्शन अवेलेबल होता है, लेकिन पाइथन के अंदर हमारे पास में फंक्शन जैसा कुछ प्रोवाइड नहीं करवाया गया है। यहाँ पे हमारे पास में मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर अवेलेबल है जिसको यूज करके हम एक स्पेसिफिक स्ट्रिंग को मल्टीपल टाइम्स प्रिंट करवा सकते हैं। ये सेम चीज मैंने आपको नेस्टेड लूप के कंसेप्ट में बताई थी जहाँ पे हमने एस्ट्रिक को मल्टीपल टाइम्स प्रिंट करवाया था एक स्पेसिफिक इंटीजर से मल्टीप्लाई करवा के, तो बिल्कुल वही कंसेप्ट हमें यहाँ पे फॉलो करना है। एक वेरिएबल मैंने क्रिएट किया है एस नाम का जिसके अंदर मैंने ब्लैक एज अ स्ट्रिंग असाइन करवाया है। अब सिंपली इस ब्लैक को मुझे टू टाइम्स प्रिंट करवाना है, तो मैं
ये ब्लैक वैल्यू प्रेजेंट है एस के अंदर, तो एस मल्टीप्लाई बाई टू, तो टू टाइम्स जो ब्लैक है वो हमारी स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। सिमिलरली से 20 टाइम्स प्रिंट करवाना हो तो एस इंटू 20, तो ये 20 टाइम्स प्रिंट कर देगा। दैट इज रिपीटेशन ऑफ स्ट्रिंग्स। नेक्स्ट जो हमारे पास में एग्जाम्पल है यहाँ पे वो है कॉन्कैटिनेटिंग द स्ट्रिंग्स। आप सब लोगों ने सी के अंदर str cat नाम का फंक्शन पढ़ा था, जहाँ पे हम लोग क्या करते थे, दो वेरिएबल्स के नेम पास करते थे, वो दोनों को कंबाइन करके हमें आउटपुट रिटर्न करके देता था। तो यहाँ पे हमारे पास में एज सच कॉन्कैटिनेशन के लिए कोई फंक्शन अवेलेबल नहीं है, डायरेक्टली एडिशन ऑपरेटर को यूज करके हम मल्टीपल स्ट्रिंग्स को कंबाइन करवा सकते हैं। मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं s1 एंड s2। s1 के अंदर मैंने ब्लैक एज अ स्ट्रिंग असाइन करवाया है और s2 के अंदर मैंने पैंथर एज अ स्ट्रिंग असाइन करवाया है। अब सिंपली मुझे इन दोनों को कंबाइन करवा के फिर आउटपुट डिस्प्ले करवाना है, तो चाहो तो आप किसी थर्ड वेरिएबल के अंदर पहले कंबाइन करवा लो और फिर उसको प्रिंट करवा लो, या फिर डायरेक्टली प्रिंट स्टेटमेंट में भी लिख सकते हो, जैसे कि मैंने लिखा है प्रिंट s1 प्लस ऑफ s2। तो ये दोनों स्ट्रिंग्स को कंबाइन कर देगा और आउटपुट हमें डिस्प्ले करेगा, तो कंप्लीट आउटपुट हमारे पास में डिस्प्ले हो गया। अब यहाँ पे ये कंटिन्यूस आउटपुट आया है, मुझे इन दोनों स्ट्रिंग्स के बीच में एक स्पेस भी प्रिंट करवानी थी, तो स्पेस भी हमारे पास में एक कैरेक्टर है, तो उसको हम डायरेक्टली कॉन्कैटिनेट करवा सकते हैं। सिंपली हमें स्टेटमेंट क्या लिखना है, प्रिंट सबसे पहला वेरिएबल, पहली वैल्यू जो हमें कंबाइन करवानी है, फिर मैंने उसे ऐड करवाया है स्पेस से और फिर उसे ऐड करवाया है सेकंड वेरिएबल से। तो पहले ब्लैक प्रिंट होगा, फिर स्पेस प्रिंट होगी और फिर पैंथर प्रिंट होगा, और यही हमारा आउटपुट आया है। तो कुछ इस तरीके से आप मल्टीपल स्ट्रिंग्स को कंबाइन कर सकते हो। आप डायरेक्टली अगर डबल कोट्स के अंदर भी स्ट्रिंग लिखोगे तो भी काम करेगा, वेरिएबल के नेम्स लिखोगे तो भी वो काम करेगा। दैट इज कॉन्कैटिनेटिंग द स्ट्रिंग्स। आई होप ये दोनों एग्जांपल्स आपको क्लियर होंगे, बिकॉज हम लोगों ने पहले भी कवर कर लिया है ये। नेक्स्ट हमारे पास में एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आ रहा है, दैट इज ऑफ कंपेयरिंग द स्ट्रिंग्स। अब सब लोगों ने strcmp नाम का फंक्शन पढ़ा है सी के अंदर, जहाँ पे हम क्या करते थे, दो वेरिएबल्स के नेम पास करते थे, सपोज s1, s2। अब strcmp s1, s2 अगर equals to 0 होता है तो क्या होता था, दोनों स्ट्रिंग सेम है। अगर ग्रेटर देन 0 है तो स्ट्रिंग 1 बड़ी है, अगर लेस देन 0 है तो स्ट्रिंग 2 बड़ी। कुछ इस तरीके का कंपैरिजन आप लोगों ने किया था, क्योंकि वहां पे जो strcmp फंक्शन होता है वो दोनों स्ट्रिंग्स के बीच का डिफरेंस हमें रिटर्न करके देता है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस रिटर्न करने जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है, हम जिन भी स्ट्रिंग्स को कंपेयर करवाते हैं या तो वो ट्रू रिटर्न करता है या तो वो फॉल्स रिटर्न करता है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग्स को कंपेयर करवाने के लिए डायरेक्टली हम रिलेशनल ऑपरेटर्स को काम में ले सकते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स हम लोगों ने 6 रिलेशनल ऑपरेटर्स पढ़े हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू एंड नॉट इक्वल्स टू। इन सारे ऑपरेटर्स को यूज करके आप स्ट्रिंग्स का कंपैरिजन परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे s1 नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया है, जिसके अंदर मैंने बॉक्स नाम की स्ट्रिंग असाइन करवाई। s2 नाम के वेरिएबल के अंदर मैंने बॉय नाम की एक स्ट्रिंग असाइन करवाई। अब मुझे सिंपली ये चेक करना है कि दोनों स्ट्रिंग बराबर है या नहीं। तो कोई भी एक वैल्यू अगर दूसरे के बराबर है या नहीं, उसको चेक करने के लिए इक्वल्स टू या फिर नॉट इक्वल्स टू ऑपरेटर को हम काम में लेते हैं। तो मैंने वही यहाँ पे काम में लिया है, इफ s1 equals to s2। तो एक्चुअली में यहाँ पे हो गया क्या, जो फर्स्ट मेरा स्ट्रिंग है उसका जीरो इंडेक्स कंपेयर होगा सेकेंड स्ट्रिंग के जीरो इंडेक्स से, तो b और b तो बराबर है क्योंकि दोनों कैपिटल है। अब यहाँ पे जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं वो केस सेंसिटिव कंपैरिजन करते हैं, जैसा कि हमारा strcmp परफॉर्म करता है। अब उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर्स का कंपैरिजन होगा, तो स्मॉल o और स्मॉल o भी बराबर है। उसके बाद x और y का कंपैरिजन होगा, तो x जो है वो y से छोटा होता है, तो अब यहाँ पे ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। तो जब इसकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम आ जाते हैं else पार्ट में, यानी कि बोथ आर नॉट सेम। तो वही हमारा पहला आउटपुट आया है कि दोनों स्ट्रिंग्स जो है वो सेम नहीं है। इसी तरीके से अगर मुझे ये चेक करना है कि कौन सी स्ट्रिंग बड़ी है कौन सी स्ट्रिंग छोटी है, तो हम ग्रेटर देन और लेस देन सिंबल को या फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू सिंबल को काम में ले सकते हैं। दोनों सेम स्ट्रिंग को यूज करके ही मैंने वर्किंग करवाई है।
अब अगर आप चाहो तो यहाँ पे आप नेस्टिंग को यूज करके वर्किंग करवा सकते हो कि अगर दोनों स्ट्रिंग बराबर नहीं है तो चेक हो कि कौन सी स्ट्रिंग बड़ी है कौन सी स्ट्रिंग छोटी है, वो चीज भी आप else के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे अलग अलग इफ और else का सेट काम में लिया है। तो अब यहाँ पे S1 के अंदर BOX और S2 के अंदर BOY, ये B और B तो बराबर हैं, OO भी बराबर है, लेकिन जो X है वो Y से छोटा है क्योंकि X पहले आता है Y बाद में आता है। तो यहाँ पे जो ये हमारी कंडीशन है ये ट्रू हो जाएगी, S1 छोटा है S2 से, इसलिए हमारे पास में आउटपुट आएगा S1 is less than S2। अब सपोजिटली यहाँ पे B और Z होता तो यहाँ पे Z बड़ा होता है Y से, तो हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो जाती और हम आते else पार्ट के अंदर जहाँ पे आता S1 is greater than S2। तो कुछ इस तरीके से आप रिलेशनल ऑपरेटर्स को काम में लेके केस सेंसिटिव कंपैरिजन इम्प्लीमेंट कर सकते हो स्ट्रिंग्स के बीच में। केस इनसेंसिटिव कंपैरिजन कैसे होता है ये एग्जांपल हमारा नेक्स्ट है। इस वाले पार्ट में किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है? मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेम प्रोग्राम जो कि है हमारा केस इनसेंसिटिव कंपैरिजन। अब यहाँ पे केस इनसेंसिटिव कंपैरिजन के लिए एज सच हमारे पास में ना कोई फंक्शन अवेलेबल है और ना ही हमारे पास में कोई ऑपरेटर अवेलेबल है, तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, एक ट्रिक अप्लाई करनी होती है और वो ट्रिक है किसी प्री डिफाइंड फंक्शन को काम में लेना। आगे जाके हम लोग अपर और लोअर फंक्शन पढ़ेंगे, वो भी आप काम में ले सकते हो, लेकिन मैं उनको अभी काम में नहीं ले रही क्योंकि हम पूरे मेथड्स की लिस्ट पढ़ेंगे। तो अभी मैं आपको यहाँ पे केस फोल्ड मेथड को यूज करके केस इनसेंसिटिव कंपैरिजन एक्सप्लेन कर रही हूँ। केस फोल्ड मेथड क्या करता है, जो भी हमारी स्ट्रिंग होती है उस पूरी स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है, या फिर सिंपल केस में ये कहूँ कि केस इनसेंसिटिव के कंपैरिजन के केस में हम हमेशा यही फंक्शन को काम में लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे दो स्ट्रिंग्स क्रिएट करी हैं, S1 के अंदर भी मैंने बॉक्स को असाइन करवाया है और S2 के अंदर भी मैंने बॉक्स को ही असाइन करवाया है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि एक में कैपिटल बी है और एक में स्मॉल बी है। अब यहाँ पे कंपेयर करवाना है, दोनों में वर्ड्स तो सेम ही है ना, तो अगर मैं ग्रेटर देन लेस देन ऑपरेटर को काम में लेके करवाऊंगी तो यहाँ पे केस सेंसिटिव कंपैरिजन होगा और उसके अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट आएगा। केस इनसेंसिटिव के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इफ एस वन डॉट केस फोल्ड, अब ये केस फोल्ड क्या करेगा, सारे कैरेक्टर्स को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे एस वन हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉल बी ओ एन एक्स इक्वल्स टू एस टू डॉट केस फोल्ड, तो ये तो ऑलरेडी लोअर केस में है, लेकिन सपोज कोई कैरेक्टर अपर केस में होता तो ये भी कम्प्लीट लोअर केस में कन्वर्ट हो गया। अब स्मॉल बी ओ एक्स तो स्मॉल बी ओ एक्स के बराबर होगा ही होगा, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी और आउटपुट आएगा हमारे पास में सेम। अब यहाँ पे अगर कैरेक्टर्स डिफरेंट है, बॉक्स और बॉय है, तो फिर हम एल्स कंडीशन में आएंगे और नॉट सेम प्रिंट होगा। तो केस इनसेंसिटिव कंपैरिजन आप कुछ इस तरीके से यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। इस प्रोग्राम में किसी को कुछ कंफ्यूजन? सबको क्लियर है केस फोल्ड का बेसिक यूसेज? ऑलराइट, एक और एग्जांपल हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं, आज का हमारा लास्ट एग्जांपल, दैट इज चेकिंग मेंबरशिप। वैसे ये वाला एग्जांपल मैंने आप लोगों को बता दिया था, लेकिन स्ट्रिंग में एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर रहे हैं। मेंबरशिप ऑपरेटर्स यहाँ पे हमारे पास में अवेलेबल है, इन या नॉट इन, कोई भी एक स्पेसिफिक कैरेक्टर या कोई भी वर्ड मेरी मेन स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट है या नहीं उसको चेक करने के लिए हम इन दोनों ऑपरेटर्स को काम में ले सकते हैं। अगर आप चाहो कि आपको लूप को यूज करके इम्प्लीमेंटेशन करना है, लॉजिक लगाना है, तो फिर आप वो तो कर ही सकते हो, लेकिन शॉर्टकट तरीका अवेलेबल है तो हम उसी को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग क्रिएट करी है S1, जिसके अंदर मैंने असाइन करवाया है अजमेर इज हार्ट ऑफ राजस्थान, ठीक है, ये मेरी मेन स्ट्रिंग है जिसमें मैं सर्चिंग को इम्प्लीमेंट करवाना चाहती हूँ। अब यहाँ पे S2 मेरा ऐसा वेरिएबल है जिसको मुझे सर्च करवाना है, तो यहाँ पे मैंने असाइन करवाया है हार्ट, तो यहाँ पे इस हार्ट की ये सर्चिंग करेगा कि इस पूरी स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट है या नहीं। अब जो इन और नॉट इन ऑपरेटर होते हैं वो भी केस सेंसिटिव सर्चिंग ही इम्प्लीमेंट करके देते हैं। तो यहाँ पे अगर मैंने कंडीशन लिखी है इफ S2 इन S1, तो जिस तरीके से हार्ट मैंने यहाँ पर लिखा है, जिस केस के अंदर, जिस सीक्वेंस के अंदर, उसी तरीके से अगर ये इस पूरी स्ट्रिंग में कहीं पे भी प्रेजेंट है तो हमारी ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी
और आउटपुट आएगा एस टू इज फाउंड इन मेन स्ट्रिंग। अब यहाँ पे इस हार्ट का केस मैच करता है कम्प्लीटली इस हार्ट के केस से, तो हमारी कंडीशन ट्रू होगी और हम आ जाएंगे इफ वाले पार्ट के अंदर, दैट इज हार्ट इज फाउंड इन मेन स्ट्रिंग। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इस हार्ट का केस चेंज कर दूं, स्मॉल एच को कैपिटल एच बना दूं, तो फिर ये तो हमारी मेन स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट है ही नहीं, जैसे कि मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। सपोज मैंने एस टू की वैल्यू को अपडेट कर दिया, अब ये वैल्यू स्टोर करवा दी, तो अब जब हम इसकी सर्चिंग करवाएंगे तो कैपिटल एच क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो इफ वाला पार्ट ट्रू नहीं होगा और हम आ जाएंगे एल्स वाले पार्ट के अंदर, दैट इज एस टू इज नॉट प्रेजेंट। अब सपोज इटली अगर आपको केस सेंसिटिव सर्चिंग करवानी है कि बस हार्ट सर्च कर दो अपर केस लोअर केस मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इफ एस टू डॉट केस फोल्ड इन एस वन, तो फिर ये क्या करेगा, कैपिटल स्मॉल सबको एक तरीके का ट्रीट करेगा और सर्च करके दे देगा। तो फिर यहाँ पे जो मैंने मैनिपुलेशन किया है सेकेंड टाइम अपडेशन किया है, उस केस में भी हमारा यही आउटपुट आएगा, दैट इज हार्ट इज फाउंड इन मेन स्ट्रिंग। तो केस सेंसिटिव और केस इनसेंसिटिव दोनों टाइप की सर्चिंग आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो यूजिंग इन एंड नॉट इन ऑपरेटर। इस प्रोग्राम के अंदर किसी को कुछ भी कंफ्यूजन? ऑलराइट गाइस, इसके आगे जो हमारा एग्जांपल है इंडेक्सिंग इन स्ट्रिंग, वो फिर हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। एक बार आप सारे एग्जांपल्स देख लेना, किसी को कुछ भी प्रॉब्लम आता है देन लेट मी नो इन द नेक्स्ट क्लास।